नए संसद भवन को लेकर भाजपा प्रवक्ता गोविंद मालू ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करना ही विपक्ष का काम है। अनुसूचित जाति जनजाति के मसले पर विपक्ष सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाती है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सेंट्रल विस्टा, क्या विपक्ष हर मसले पर प्रधानमंत्री का विरोध करता है? ये उनकी आदत है। यदि आजादी के समय नरेंद्र मोदी होते तो विपक्ष उस जलसे का भी बहिष्कार करता। अनुसूचित जाति जनजाति के मसले पर भी विपक्ष घड़ियाली रुदन करता रहता है। द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन के समय ये उनकी खिलाफत क्यों कर रहा था? अंबेडकर जी को हराने वाले केसरी जगजीवन राम का अपमान करने वाले बूटा सिंह के चरण पादुका उठाने वाले शिव भानु सोलंकी को मुख्यमंत्री ना बनाकर उनका अपमान करने वाले कांग्रेसियों को शर्माना चाहिए। सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन पर जो 28 तारीख को हो रहा है, विपक्ष हंगामा कर रहा है। आजादी के बाद अगर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते तो उसका भी बहिष्कार करते, उसका भी हंगामा करते। 28 तारीख तो वीर सावरकर की जयंती है, उसको इश्यू नहीं बनाया, उसको भी बना लेते। जो कांग्रेस अनुसूचित जाति जनजाति का लगातार शोषण करते रही, अवरोध बनती रही, वो द्रौपदी मुर्मू जी के प्रति अचानक प्रेम जागृत हो गया, तब कहाँ गए थे भाई? जब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी वो, शिवभानु सोलंकी से लेकर जगजीवन राम, सीताराम केसरी के जो हालात कांग्रेस ने किए हैं वो देश जानता है। अरे शर्म करो कांग्रेसियों। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।